लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच ओडिशा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी उपाध्यक्ष भृगु बक्षी पात्रा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला बहरामपुर लोकसभा सीट से टिकट न मिलने की वजह से लिया है। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामन को संबोधित लेटर में उन्होंने पार्टी में अपने 23 साल के योगदान की नज़रअंदाजगी पर अफसोस जताया है। उन्होंने जिम्मेदारियों को लगन से पूरा करने के बावजूद पार्टी नेतृत्व द्वारा महत्व न मिलने का भी जिक्र किया। लेटर में पात्रा ने लिखा, मैंने पार्टी और ओडिशा के लोगों की भरपूर सेवा की, मगर मुझे लगा कि मेरे योगदान को अब आवश्यक नहीं समझा जा रहा है। भारी मन से मैंने अपना इस्तीफा देने और अपने राज्य के लोगों की सेवा जारी रखने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया है। बताते चलें कि एक और बीजेपी चुनिंदा लोकसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति बना रही है, तो दूसरी ओर चुनाव से ठीक पहले पात्रा ने इस्तीफा देकर बड़ा झटका दे दिया है। इसी सियासी उठापटक में अहम बात यह है कि बीजू जनता दल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के गृह जिले में प्रमुखता को देखते हुए बहरामपुर लोकसभा सीट विशेष महत्व रखती है। इस सीट से बीजेपी ने गोपालपुर विधायक प्रदीप पड़िग्रही को उम्मीदवार बनाया है। गोपालपुर से 3 बार के विधायक पड़िग्रही हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। नेता चुनावी सीजन में अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं और इस कड़ी में दल और दिल बदल रहे हैं। बीते दिनों ओडिशा में बीजू जनता दल को भी बड़ा झटका लगा था। केंद्रपाड़ा के सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता अनुभव मोहंती ने अज्ञात कारणों का हवाला देते हुए पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था। मोहंती ने बीजेपी सुप्रीमो नवीन पटनायक को मार्मिक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने पार्टी के नेता के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और गहरी प्रशंसा की थी। हालांकि उन्होंने अज्ञात चिंताओं से जूझने की बात कही। उन्होंने कहा था, पिछले 4 साल से परेशान थे, इसके कारण इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा।